iPhone 13 से मुराद ये होता है कि iPhone 13 कोई बच्चे iPhone 13 के लिए लोग अपनी किडनी बेच देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, और ऐसा हो जाता है, लोग कर देते हैं। मतलब इतना इतना क्रेज़ है लोगों में कि जो अपनी ज़रूरियात हैं वो नहीं देख रहे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे हुए हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, सर को कह रहे हो किडनी बेच के आईफोन ले लो। लेकिन कब तक अपने पापा की सैलरी पे जियोगे? अपने लिए हिम्मत पकड़ो, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह से दुआ करो कि हाँ वो तो है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको भी दे, कि आप अपनी मेहनत से सब कुछ लो। क्यों पापा से लोगे हमेशा? कोई बात नहीं, हम हैं ना, उन्होंने जवान कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है। जितना जवान नहीं है फिर भी पढ़ा दिया इतना, पढ़ाने से क्या होगा, जॉब तो नहीं, अल्लाह देगा यार, क्यों नहीं देगा? मेरे से तो क्यों नहीं देगा? सॉरी, मेरे से टेंशन की बात ही नहीं है, बात तक करते हैं। जस्ट फोर पैराग्राफ्स, 1 2 3 4 ये एक हाँ, आपको तो किसी बात की टेंशन होगी नहीं, लेकिन ये आपका जो स्ट्रेस है ना, पापा ने यूँ बोल दिया, पापा यूँ कर रहे हैं, पापा यूँ कर रहे हैं, ये चीज़ भी ख़त्म कर लेना बड़े होके, मेहरबानी होगी आपकी। बड़ी मेहरबानी है, बड़े होके बच्चापन ख़त्म हो जाएगा। बच्चापन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पापा से कभी है ना बदतमीज़ी नहीं करना, क्योंकि आप कुछ कुछ बच्चे ऐसे मत बन जाना। आगे आने वाला दौर बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा, सबको पता है। मकसद के बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, लोग मतलब के बुरे काम करने लगेंगे, ऐसा तो उस टाइम आपको अपने पापा मामा को ख्याल से रखना है, अपने भाई को ख्याल से रखना है, उनकी केयर करनी है। पता है पापा को है ना कुछ नहीं चाहिए होगा, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप जब पापा अपना ऑफिस छोड़ेंगे तो पापा को कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ़ आपका टाइम चाहिए होगा कि सभी मेरे पास आकर बैठे, मुझसे बातें करें और मुझे बहुत अच्छी बात है। आपको उन्होंने क्यों पढ़ाया? इसी वजह से ना, ताकि आपका जहन खुले, आप एक अच्छे आदमी बने। क्यों नहीं दिया? वो आपके साथ खेलते हैं तो बेटा, अब उनके पास जिम्मेदारियां भी तो इतनी आ गई, क्या करें? तो पहले हो सकता है उन पर इतनी जिम्मेदारियां ना हो, अब वो हर वक्त तो बेचारे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, अब वो आपके साथ कैसे खेलेंगे? और अगर उनका खेलने का मूड भी हो तो वो इंसान थक भी जाता है काम कर करके। ये भी तो वजह हो सकती है ना। बिजली चमकी? हाँ चमकती है आप लोग के यहाँ। मुझे नहीं पता, ये 2-3 मरतबा पहले भी हुआ है, बारिश होने वाली, शायद हो जाए, अल्लाह करे, मौसम तो ऐसे ही था सुबह, अल्लाह करे, बस तेज़ ना हो, क्योंकि अभी आपके पेपर चल रहे हैं और मैं एक भी छुट्टी अवॉइड नहीं कर सकता। अल्लाह करे तेज हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा पेपर कैंसिल, उसके बाद कुछ दिनों के बाद और टाइम मिल जाएगा। नहीं इंशाल्लाह, सभी ये क्या दुआएं मांग रहे हो आप? 22 तारीख को बारिश हो जाए एक अच्छी सी। अच्छा आपको शिकायत है पापा से कि पापा आपको टाइम नहीं देते, और ये शिकायत आपकी कब से बनी? ये मेरी 2019 से बनी। 2019 से? 19, 20, 21, 22, 3 साल से आपके दिल में यही बात है?
फिर दिन से। तो दिन से ना, हो सकता है पापा ठीक हो जाएं और आपके साथ फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। नहीं है बताओ तो सही। नहीं है मैं पापा को माशाल्लाह बहुत टाइम देता हूँ, उनके साथ हमेशा बच्चा बना रहता हूँ। कैसे बात करते हो? जैसे आप बात करते हो ना बाबा से, बिल्कुल हंस मुख के खेल खेल। मैं बोलता हूँ बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाबा बोलते हैं बेटा ये कर रहा हूँ। पापा मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। पापा ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, ऐसा जब हुआ था मैं ऐसा पूछता। तो फिर आप कैसे पूछते? नहीं, आप कैसे पूछते? मैं तो ऐसे करता हूँ कि पापा मुझे एक बात पूछनी थी। ना हाँ बोलो। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, जब ऐसा हुआ था, ऐसा किया था? अच्छा, अरे हाँ हाँ बेटा ऐसा हुआ था। अच्छा इस तरीके से। एंड व्हाट अबाउट यू? तो आपने, आप ये भी पूछते हो आपका दिन कैसा गुजरा? अच्छा तो पापा आपको कैसे रिप्लाई करते हैं, हंस के या फिर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं? नहीं होता है ना, इंसान पे प्रेशर होता है काम का, तो बच्चों को बोलता है भाई दूर हो जाओ अभी काम करने दो। सॉरी हाँ बोलते हैं आप? पापा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, आपसे या भाई से? नहीं फील हो जाता है, हर बच्चे को फील हो जाता है कि पापा किस। ओहो चलो माशाल्लाह, इसमें तो आप नंबर ले गए। हाँ जब वो बड़े होंगे तो आपको लगता है वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है? तो वो ज़्यादा वो हो जाएगा फिर पापा का। तो सभी क्या मज़ा है कि मतलब आप टॉप क्यों नहीं कर पाते? मकसद कि आप में टैलेंट भी है, मुझे पता भी है कि आप इंटेलिजेंट हो, सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे रीज़न पता नहीं चल रहा कि आप टॉप क्यों नहीं कर पा रहे, क्या? सर्टिफिकेट्स टू में। लेकिन पापा है ना सिटी स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है, बता रहे थे ना। अच्छा आप सेटिस्फाई हैं? अच्छा, और असल में फिर ये इन्होंने ये भी तो शुरू कर दिया था ना, टू डेज ऑन टू डेज ऑफ, थ्री डेज ऑन थ्री डेज ऑफ, उससे भी ज़्यादा वो हो गए थे वो कि यार ये क्या है, पूरे मतलब पूरे महीने में सिर्फ चार दिन पढ़ाई हो रही है। नहीं मकसद, हाँ थ्री थ्री डेज स्टडी हो रही है, तो उससे भी वो काफ़ी वो हो गए थे, डिसार्ट हो गए थे। आपको खुशी हुई क्योंकि आपको फ्री टाइम मिल रहा था खेलने कूदने का? लेकिन दूसरी बात ये कि मैंने जहाँ तक देखा है ना, तो आपके पापा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इखलाकन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बुरे बनते हैं तो फिर ऐसे बनते हैं कि इंसान की इज्जत ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ भाई साफ बात है, अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बुरे बनते हैं तो फिर इंसान को पूरा ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ मैंने इतना तो देख लिया आपके पापा को, देखते नहीं हैं फिर। हाँ बाप को जानता है। हाँ बिल्कुल सही बात है।
जैसे मैं